तो प्यारे भाइयों, कवि क्या कल्पना करता है जोड़ी भाड़ी श्याने देखे के दिल में बारी ख्याल हुआ पुत्र प्रेम जगया रग रग में और मन में गणा रे मलाल हुआ रोते रोते चंद्रवती दुखी यारी का बुरा हाल हुआ हर तन से दूर बवाल हुआ हीरे दे में उठे रे उमाया नाते तेरा से ते चंद्रवती के जन्म पुत्र ने पाया तो प्यारे भाइयों तीसरी कली में कवि क्या कल्पना करता है माने धीरज धरे पे बैठ गई वो दिल में ले पे नीची गर्दन करे पे दरिया में बहाने चाली फिर बदना नी से डरे पे फेंक दिया सरी यू में लड़े झूठे सबरे का भरे के अरमन में धीरज धरे के सती ने रे अपना बेटा खा रसे ते चंद्रवती के जन्म पुत्र ने पाया तो प्यारे भाइयों चंद्रवती उस लड़के को नाश के तु कहकर सरयू नदी में फेंक देती है। नदी में फेंकने के बाद वो लड़का धार की तरफ उल्टा बहने लगता है। तो कवि ने क्या कल्पना की है चढ़ारे धारे में लड़े का देखे देखे के चंद्रवती के बह में साथ में रड़े क्या चली रे साथ में दरिया केड़े राज समझे ने जड़े का चलते चलते रजनी बीती हुआ रे पेरे का तड़े का अर कहरा दीन दारे अंगे फाड़ क्या फेरे
चंद्रवती का दाया नाक के रसे पे चंद्रवती के जन्म पुत्र ने पाया कारे सती की फिर ईश्वर की माया नाक के रसे पे चंद्रवती के जन्म पुत्र ने तो प्यारे साथियों, औरत से दाहिने अंग का फड़कना पति के मिलने का आभास कराता है। चंद्रवती विचार करती हुई लड़के के साथ साथ चल देती है। देवलोक से उद्यानक मुनि स्नान करने के लिए सरयू के किनारे पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उद्यानक मुनि रोने की आवाज सुनकर ऊपर को नजर उठाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़का उनकी ओर सरयू की धार के विपरीत यानी उल्टा चढ़ा आ रहा है। लड़के को देखते ही उद्यानक मुनि के मुख से अचानक बेटा शब्द निकलता है और क्या कहते हैं कवि ने क्या कल्पना की है। अरे फूल से ज्यादा कोमल तू किसका राज दुलारा किस दे रहली औरत ने तुझको गंगा में डारा। फूल से ज्यादा कोमल तू किसका राज दुलारा किस दे रहमी औरत ने तुझको गंगा में डारा। कहने लगे उद्यानक मुनि जिसने गेरा तू जल में वो कितनी है बेदर्दी तुझे देख के मेरे मन में होती बैठे हम दर्दी तुझे देख के मेरे मन में होती बैठे हम दर्दी मेरे दिल में हलचल कर दी मेरे दिल में हलचल कर दी मैं देख तुझे घबरा रहा किस बेरहमी औरत ने तुझको गंगा में डारा। कहने लगे सूरज कैसी चमक बदन में है तेरा चांद सा चेहरा तुझे देख अचंबा होवे
जल में उल्टा बहरा तुझे देख अचंबा होवे, तू जल में उल्टा बहरा कैसे सर्दी को सहरा, ऐसी तल जल की धारा किस बेरहमी औरत ने तुझको गंगा में डारा। रहा चक्कर काट भवर में तू चलता है थम थम के, जब किरण पड़े सूरज की तेरा तन सोरण साधन के, जब किरण पड़े सूरज की तेरा तन सोरण साधन के, तू जल में ऐसे चमके, तू जल में ऐसे चमके जैसे नभ में चमके तारा, किस बेरहमी औरत ने तुझको गंगा में डारा। मेरे जी में ऐसी आवे तुझको गोदी में ढालू, है दिल में लाल तमन्ना तुझे बेटे की तरह पालूं, है दिल में लाल तमन्ना तुझे बेटे की तरह पालूं, कह राजेंद्र सिंह गालू, कह राजेंद्र सिंह गालू, अब मेरा मन ने चारा किस बेरहमी औरत ने तुझको गंगा में डारा। फूल से ज्यादा कोमल तू किस तारा जो दुलारा, किस बेरहमी औरत ने तुझको गंगा में डारा। तो प्यारे भाइयों, उद्दालक मुनि लड़के को गोदी में उठाकर अपने दूल्हे पर पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे चंद्रवती भी दूल्हे पर ही पहुंच जाती है। तो उद्दालक मुनि चंद्रवती से क्या पूछते हैं और चंद्रवती उद्दालक मुनि को क्या जवाब देती है, कवि ने क्या कल्पना की है। सितम का हद से बढ़ जाना तवाई की निशानी है, बदलते हैं सभी के दिल पुरानी ये कहानी है। अरे बियाबान जंगल में परी क्या काम तेरा है,
बता क्या नाम तेरा है। मुझे कहते चंद्रवती है, जानू तू मेरा पति है, ये लड़का जाम मेरा है, जिसे गोदी में ले रहा है। बियाबान जंगल में परी क्या काम तेरा है, बता क्या नाम तेरा है। मुझे कहते चंद्रवती है, साधु तू मेरा पति है, ये लड़का जाम मेरा है, जिसे गोदी में ले रहा है। काम देवे तू वर है मेरा, मैं हूँ तेरी नारे रती, हो सती बात खोल दे तू सारी, तेरे कौन पिता और मेहतारी, ओ हो कैसे लाल में जोहरी, मैं राजा रघु की छोरी, अवधपुरी ग्राम मेरा है, जिसमें मेरा बसेरा है। जालक मुनि और चंद्रवती की क्या बातचीत होती है, क्या जालक मुनि कहते हैं और क्या चंद्रवती जवाब देती है। अरे कैसे जाम तेरा यह लड़े का, मुझ तो दे तू नारे बता, पैदा है ये मेरी रेखों से, इसकी सुन ले जन्म कथा, वो बिठा खोल सुना दे सारी, तू क्यों बन में धाके खारी तू, ओ हो ना चारा चले कर्म से, मेरे बिगड़े नाम धर्म से, नाम बदनाम मेरा है, मुसा दे दुख घड़ेरा है। कैसे नाम धर्म तेरे, कैसे हुई तेरी बदनामी, सरयू में लगा दोष गाते को, सुन साधु अंतरयामी, खामी कैसे तन में आगी, जिसे देख के कामन गबरागी, ओ हो लागी मेरे मुँह पे स्याही, बदनामी त
बुरा ही बुरा अंजाम मेरा है, सर दर्द जिसका फेरा है। तो आखिर में वो जानक मुनि क्या पूछते हैं और चंद्रवती क्या बताती है। अर के राजिंदर सरयू में परी कैसे तुझे रिकालांके लग्या, एक फूले बह रहा था धारे में वो कर गया मेरे साथ दगा, ठगा फूल ने कब का मन तुझको परी साचे बता दे अब मुझको। हो मास गर्भ में बीते जब फूल न करो फदित साक्षी राम मेरा है जिसे दुनिया का ब्याह है। दिया बाण जंगल में परी क्या काम तेरा है, बता क्या नाम तेरा है। मुझे कहते चंद्रवती है साधु तू मेरा पति है, लड़का जाम मेरा है जिसे गोदी में ले रहा है। तो प्यारे भाइयों उद्यालक मुनि समझ जाते हैं तो बात बताने के लिए तो बहुत है। उद्यालक मुनि और चंद्रवती वहीं आपस में शादी कर लेते हैं और उस लड़के का नाम नाशकेतु रख दिया जाता है।